सुषमा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। मैं सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। फूल से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। इसकी कहानी और कॉन्सेप्ट देखकर हर कोई इसके दूसरे पार्ट का इंतजार करने लगा था। 7 अप्रैल को पुष्पा द रूल की झलक देखने को मिली। पोस्टर भी आया जिसमें वो साड़ी पहने दिखाई दे रहे हैं। पहले टीजर के बारे में बात करते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया है। उसे 8 गोलियां लगी हैं। वो जिंदा नहीं बचा है। उसके समर्थक जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पुष्पा है कहाँ। अंत में दिखाया जाता है कि पुष्पा जिंदा है और उसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि टीजर में सबसे ज्यादा फनी पार्ट जो होता है वो है जंगल में शेर और पुष्पा के बीच वाला, जहां शेर पुष्पा को देखते ही पीछे हट जाता है। मतलब भौकाल काटने के लिए कुछ भी बना दिया गया है। पहले पार्ट में आपने देखा था कि फहाद फासिल और अल्लू अर्जुन की दुश्मनी हो गई थी क्योंकि उसने पुष्पा को नाजायज कह दिया था। अब दूसरे पार्ट के टीजर में ये देखने को मिला कि वो जेल से ही फरार हो गया। पहले उसे अरेस्ट किया गया, फिर जेल भेजा गया और उसके बाद वो पुलिस के चंगुल से बच निकला। हालांकि इसमें न तो पुष्पा की मां दिखी, न रश्मिका मंदाना नजर आई और न ही फहाद फासिल। साथ ही पुष्पा का दोस्त केशव भी नहीं दिखा। बस वो गांव वाले दिखाई दिए जिनके लिए पुष्पा ने मसीहा बनकर काम किया। अंत में पुष्पा का वो नया अवतार देखने को मिला जहां वो पैंट शर्ट पहने नजर आता है, जिससे ये साबित हुआ कि वो साहब बन चुके हैं।